हमने किसी को गलत नहीं बोला, हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव भी नहीं किया। इसलिए हमारी बहन बेटी हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, कोई अंतर नहीं है। इसलिए समान रूप से देखने के कारण से तीन तलाक का कानून अगर गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 35 साल पहले जो फैसला किया, 35 साल पहले के फैसले को बदलने का पाप कांग्रेस की सरकार ने किया था, जो कानून बना करके उसके आधार पर उस पूरे फैसले को बदल दिया, उस पुराने फैसले को लागू करने का मादा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था, जिनने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत भी तीन तलाक के माध्यम से उनकी जिंदगी खराब होती है तो बदलना चाहिए। इसी प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मुझे मालूम है यहाँ के एक नेता लोकसभा में आपके यहाँ हैदराबाद से चुन के जाते हैं, लेकिन उनको आज तक ये हजम नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो राम मंदिर के पक्ष में क्यों दे दिया, आज तक उनको हजम नहीं होता है, अभी भी उनकी छाती पे सांप घूमता है। लेकिन ऐसे लोगों को ठिकाना लगाने का काम हमारा और आपका है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते, ऐसे लोगों को नेता होने का अधिकार नहीं। ये हमारी संस्कृति को ललकारते हैं, ये हमारे समाज को ललकारते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? लोकतंत्र में इनके लिए जगह नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।